अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जिम्मेदारी इस बात से होती है कि चौथे स्तंभ के साथ अपनी सारी विकास यात्रा साझा करते हुए हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरी समर्पण भाव से वो सारी चीज़ें जो हमने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जनता को सुविधाओं के माध्यम से दी है उसको आपके सामने रखूं। निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं, मध्य प्रदेश में 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। 2003 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार ने प्रदेश के 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, भंटाडार से बुलंदियों तक पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर भंटाडार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में रही क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की है जिसके अंतर्गत हर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस सरकार में हिम्मत है तो 53 वर्षों के शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे। अगर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व बात करें तो करप्शन नाथ ने 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टर्न घोटाला, 600 करोड़ का इफ्को घोटाला और कर्ज माफी में 25,000 करोड़ का हेरफेर किया। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने मिस्टर करप्शन नाथ ने भाजपा की सरकार की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के बेदाग नेतृत्व ने प्रदेश के 2003 में सरकार बनने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए न केवल सड़क बिजली पानी की समस्या को दूर किया बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य सुशासन और विकास के सभी मानदंडों पर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। 1947 से 2003 तक कांग्रेस सरकार और SC ST OBC के लिए पहले 1056 करोड़ बजट हुआ करता था, आज 64,000 करोड़ मतलब 60 गुना। की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई थी और कौन कौन उसमें सम्मिलित हुए और क्या तारतम्य था पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत जो अमित शाह जी ने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड 2023 से 23 तक का प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट कार्ड को जिले के सभी पत्रकार बंधुओं से साझा करना, उनको हमारे सारे कामों को गिनाना और उन कामों का आपके माध्यम से जनता समाज के बीच में वो सारी बातें सकारात्मक रूप से जाए, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और निश्चित रूप से मुझे आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के 20 सालों के कारण मध्य प्रदेश एक विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर बनता जा रहा है और निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और आने वाले 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होकर मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। भैया, वार्ता के दौरान भी एक जो सवाल उठा था कि 18 में ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी जो कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और एक बार फिर 23 में क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है। 15 महीने के कुछ विधायकों के 5-7 विधायक की कमी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ ने जिस प्रकार से 15 महीने सरकार चलाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जनता ने पूरा साक्षात देखा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट उद्योग चल रहा था और किस प्रकार से अराजकता का माहौल इस मध्य प्रदेश में बनने लगा था। और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सारी जनकल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ हुई और जनता अब वो 18 की 15 महीने की सरकार का भी कंपेरिजन करते हुए 2023 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनाने वाली है। धन्यवाद।